हेलो वेलकम फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को लेकर के बना रहा हूँ और आज के इस वीडियो में बड़ी खास चीज सीखेंगे। जानते हैं क्या? लुक देखेंगे कि कैसा दिखता है हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस ऑफिस 365। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं कि एक्सेस कैसा दिखता है। 365 जो सॉफ्टवेयर आपका है उसमें अगर हम एक्सेस इस्तेमाल करते हैं तो वो एक्सेस हमें किस तरीके से दिखेगा, लुक क्या है उस एक्सेस का, कहाँ कौन सी चीजें आपको दिखेंगी, वो सारी चीजें हम देखने वाले हैं। तो यहां से करता हूं ब्लैंक डेटाबेस पे क्लिक। जैसे क्लिक किया यहां पर डेटाबेस का नाम आ गया है, बाय डिफॉल्ट देख सकते हैं। यहां पर क्रिएट पे कर देते हैं क्लिक किया। अब देखिए ये जो लुक है ये आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 365 का है या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2021 का। यहां पर देख सकते हैं ये वैलिडेशन यहां पर आपको मिल जाता है। ठीक है, यहां से आप वैलिडेशन लगा सकते हैं। ठीक है, वैलिडेशन क्या होता है इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात कर चुके हैं पहले। ये टेबल वन ही रहने देता हूँ, टेबल पे मैंने क्लिक किया है तो यहाँ बाय डिफॉल्ट टेबल वन नाम आ रहा है तो इस पे ही रहने देता हूँ। बाकी यहाँ पर आईडी आ रही है। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं। ये प्राइमरी की है, एक हमने कंपोजिट की के भी बारे में बताया है। कंपोजिट की क्या होती है, प्राइमरी की क्या होती है और फॉरेन की क्या होती है, थोड़ा सा इस पर डिस्कस कर लेते हैं। हालांकि पहले बताया मैंने लेकिन फिर भी चलिए एक बार डिस्कस कर लिया जाए। देखिए यहाँ पर जो प्राइमरी की होती है वो एक यूनिक की होती है। क्या होती है? जब भी होगी तो ये यूनिक होगी। क्या होगी? यूनिक होगी, यानी कि एक टेबल में एक वैल्यू जो आप देते हैं किसी चीज को, अगर वो प्राइमरी की है। जैसे मान लीजिए अगर मैंने यहां पर दे दिया रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है, ये लिखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये मैंने लिखा रजिस्ट्रेशन और यहां पर लिख दिया नंबर, तो ये मैंने रजिस्ट्रेशन नंबर को क्या बनाया, प्राइमरी की बनाया। अब यहाँ पे ऑटो नंबर डेटा टाइप है, देख सकते हैं ये बहुत सारे डेटा टाइप आपको मिलते हैं यहाँ पे, लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पे ऑटो नंबर रखते हैं। यहाँ पर आते हैं, यहां पे कर देता हूं नेम ऑफ कस्टमर, नेम ऑफ कस्टमर कर दिया तो ये हो गया नेम ऑफ कस्टमर। अब जैसे ही नेम ऑफ कस्टमर करेंगे तो यहां पर देखेंगे तो शॉर्ट टेक्स्ट आ गया। अब शॉर्ट टेक्स्ट यहां पे आ चुका है, देख सकते हैं ये जो है फॉरेन की है, ये प्राइमरी की। अब इसे फॉरेन की क्यों कह रहा हूं, क्यों इसे मैं फॉरेन की कह रहा हूं, इसके पीछे रीजन है। रीजन ये है कि नेम हम रिपीट कर सकते हैं, नेम हम रिपीट कर सकते हैं। भाई अगर हमारी कोई शॉप है और वहां पर बहुत सारे स्पेशल कस्टमर आते हैं तो ऐसा थोड़ी ना है कि जो एक कस्टमर का नाम होगा वो दूसरे कस्टमर से मैच नहीं कर सकता है, वो तो मैच करेगा। ऐसे कंडीशन में ये होती है फॉरेन की, फॉरेन की डुप्लीकेट हो सकती है लेकिन प्राइमरी की कभी भी डुप्लीकेट नहीं हो सकती है, ये चीज ध्यान रखिएगा। कैंडिडेट की भी है, उसके बारे में एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। इसके अलावा सुपर की भी होती है, सबके ऊपर डिटेल में बात करेंगे लेकिन अभी बात कर लेते हैं थोड़ा सा कंपोजिट की पर। तो फॉरेन की और प्राइमरी की आई होप कि समझ में आया होगा। अब कंपोजिट की बात कर लिया जाए तो यहां पर आ जाते हैं। अब यहां पे क्या करता हूं, यहां पे मैं कर देता हूं रोल नंबर। क्या करता हूं? रोल नंबर, कुछ इस तरीके से मैंने लिख दिया रोल नंबर। अब रोल नंबर का कौन सा डेटा टाइप हम रखेंगे, आप चाहे तो नंबर के रख सकते हैं, फिलहाल शॉर्ट टेक्स्ट ही रखते हैं और यहां से व्यू पे क्लिक कर देते हैं और ये यस करते हैं। तो यस करते ही ये देखिए ये इंटरफेस कुछ इस तरीके से आ जाएगा आपके सामने, दिख रहा है, सारी चीजें दिख रही है, क्लियर है। तो ये इंटरफेस कुछ ऐसा आएगा। अब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा, अब ये ऑटो नंबर है तो खुद पर खुद नंबर ये देता चला जाएगा। यहाँ पे नेम ऑफ कस्टमर है तो कस्टमर का नाम आता चला जाएगा, तो यहाँ पे कस्टमर का नाम लिख दिया मैंने राम, ठीक है, और रोल नंबर लिख दिया वन। यहाँ पे आए, यहाँ पे दूसरा नाम लिख देते हैं श्याम और यहाँ रोल नंबर टू लिख देते हैं, लेकिन हमें रोल नंबर टू नहीं देना क्योंकि हम ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन नंबर 1, 2, 3 के फॉर्म में दे रहे हैं। तो यहाँ पर जो भी शॉर्ट टेक्स्ट लिया था हमने तो यहाँ पर कुछ चेंजेस हम कर देते हैं। यहाँ पे कर देते हैं A1, ठीक है, इसको क्लोज करता हूँ, ये जो पॉपअप आया हुआ है। यहाँ पे करते हैं A2, यानी कि रोल नंबर A1 A2 करते हैं, ठीक है, इसी तरीके से करते चले जाएंगे, बात समझ में आ रही है। लेकिन क्या रोल नंबर रिपीट हो सकता है? भाई रोल नंबर तो रिपीट नहीं हो सकता ना, एक क्लास के जो बच्चे हैं वो सेम रोल नंबर के तो हो नहीं सकते, बात समझिएगा मेरी। तो यहाँ पर एक और स्टूडेंट का नाम दे देता हूँ, ठीक है, लाइक मनोज दे दिया। अब यहाँ पर A3 कर देते हैं, क्या यहाँ A2 अलाउड है, क्या यहाँ A2 अलाउड है? यहाँ पे देखिए A2 लिखा मैंने, एक्सेस ने विरोध नहीं किया इस बात का, एक्सेस ने अपोज नहीं किया, एक्सेस ने हमें रोका नहीं, कोई वैलिडेशन हमने नहीं लगाया यहाँ पे। यहाँ पर अगर हम रोल नंबर को प्राइमरी की बना देते हैं तो प्राइमरी की में और फॉरेन की में तो अंतर समझ में आएगा, लेकिन कंपोजिट की बात की जा रही है तो कंपोजिट की भी प्राइमरी की के जैसे ही एक्ट करता है। कंपोजिट की क्या होती है? प्राइमरी की के जैसे ही एक्ट करती है लेकिन प्राइमरी की नहीं होती है, ध्यान दीजिएगा।
यहां पर क्या करता हूं, व्यू पे क्लिक करता हूं, एक बार डिजाइन व्यू पे वापस चले जाता हूं। ठीक है, समझ में आ रही बात। यहां पे लिखा हुआ है इंडेक्सेस और हम है रोल नंबर पर और डेटा टाइप के अंदर। ठीक है, और यहां पे लिखा हुआ है इंडेक्सेस, ये इंडेक्स दिखाई दे रहा है। यहां पर आइए और यहां पर आकर ये ड्रॉप डाउन से इसे बना दीजिए यस नो डुप्लीकेट। ठीक है, अब ये जो है ना ये बन गया आपका कंपोजिट की। कैसे कंपोजिट की बन गया मैं आपको दिखाता हूं। अभी तक हम डुप्लीकेट वैल्यू एंटर कर पा रहे थे, आइए देखते हैं। अब देखते हैं यहां पे डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ नहीं है। फिलहाल हमें क्या करना होगा, इसको यस डुप्लीकेट ओके करके पहले यहां से जाना होगा, इसको सेव करना होगा, क्योंकि हमने यहां ए टू दो बार दे दिया ना। जब हम कंपोजिट बनाएंगे तो वो प्राइमरी तो नहीं होगी, लेकिन क्या होगी, वो कंपोजिट की होगी, डुप्लीकेट नहीं लिखा जा सकता कंपोजिट की में। ठीक है, तो ये इसको हटा देते हैं। अगर हम ए थ्री कर देते हैं यहां पे, तब हम इसे कंपोजिट की बना पाएंगे। तो चलिए बना लेते हैं। अब यहां पे यस डुप्लीकेट है, इसको हम चेंज कर देते हैं यस नो डुप्लीकेट। ठीक है, और यहां से व्यू पे क्लिक कर दीजिए यस कर दीजिए। तो बस अब देखिए, अब यहां पर कोई डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ नहीं होगी। तो एक बार चेक करते हैं, यहां पर एक और नाम लिखता हूं मैं, जी ए यू आर ए बी, गौरव, ये लिख दिया हमने। और यहां पर आए, यहां पे क्या है, ए3 अलाउड है, यहां पे आए और देखिए ये अलाउड नहीं है। आप देख सकते हैं इसे हमने प्राइमरी की तो नहीं बनाया, लेकिन ये बन गई कौन सी की, कंपोजिट की। तो उम्मीद करता हूं कि कंपोजिट की, प्राइमरी की और फॉरेन की, ये तीनों आपको समझ में आ रहा होगा। अब फॉरेन की में देखिए, यहां पर डुप्लीकेट वैल्यू अलाउड है क्या, एक बार चेक करते हैं। पहले इसको हटाना पड़ेगा, ये डुप्लीकेट वैल्यू यहां तो अलाउड नहीं है, तो इसको हटा दिया हमने। अब यहां पे गौरव नाम दो बार रख देता हूं, जी ए यू आर ए बी। अगर एक्सेस इसका अपोज नहीं करेगा, एक्सेस हमें ये नहीं कहेगा कि यहां पर आप डुप्लीकेट वैल्यू एंटर कीजिए या ना कीजिए, तो समझ जाइएगा कि ये फॉरेन की है। यानी यहां पे हमने डुप्लीकेट वैल्यू एंटर कर दिया ना, गौरव नाम दो बार एंटर कर दिया। ठीक है, तो ये बन जाती है फॉरेन की। नाम तो डुप्लीकेट, भाई जरूरत हर एक की है। अगर आप डेटाबेस सीख रहे हो, अगर आप डेटाबेस के स्टूडेंट हो, तो प्राइमरी की भी जरूरत है, फॉरेन की भी जरूरत है, और कंपोजिट की भी जरूरत है, सबकी जरूरत लगेगी आप, सुपर की और फिर उसकी तो बात में करते हैं। तो यहां कर देता हूं ये फाइव। ठीक है, अगर हम ए फोर करें तो क्या ये लेगा, नहीं लेगा। देखिए इसे हमने कंपोजिट की बनाया था ना, तो कंपोजिट की प्राइमरी की तो नहीं होती है, लेकिन एक्ट करती है प्राइमरी की के जैसे। ठीक है, समझ में आ रही है बात। ओके, अगर इससे कोई रिलेटेड दिक्कत आती हो तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।